हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने कंप्यूटर पर ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम ओरेकल की साइट पर जाकर ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन को डाउनलोड करेंगे। अब हम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। ओरेकल 11G एक्सप्रेस एडिशन को सिलेक्ट करेंगे। डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन। अब लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे और अपने कंप्यूटर की, जैसे हमारा कंप्यूटर विंडोज 64 बिट है तो 11G 64 बिट, 32 बिट है तो 11G 32 बिट, और लाइनक्स है लाइनक्स वाले को डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ पर 11G एक्सप्रेस एडिशन विंडोज 64 बिट वाला डाउनलोड करता हूँ। अब यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड, ये आपको अपना ओरेकल की साइट से अकाउंट क्रिएट करना होता है, जो कि जीमेल आईडी से भी हो जाता है। वो उसमें कुछ नहीं है, आप सिंपली कर सकते हैं। ये जैसे ही देख रहे हो, अब डाउनलोड होने के लिए कह रहा है। मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला, इसे मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब देखते हैं कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, विनार फाइल डाउनलोड होती है। अब इसको किसी डेस्कटॉप पे या फिर सेटअप पे या फिर डायरेक्ट यहाँ से प्ले कर सकते हैं। मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा डेस्कटॉप पे अपने, जिससे आसानी से ओपन हो सके। जैसा कि देख रहे हैं फोल्डर आ चुका है, मैं सेटअप को रन कराता हूँ। अब यहाँ पर सेटअप रन हो चुका है। अब इस पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, आप अपना डेटाबेस किसी सी ड्राइव के अलावा किसी दूसरी ड्राइव में इंस्टॉल करें, जिससे कभी विंडोज़ जाने पर आपको अपने डेटाबेस के लॉस होने का डर नहीं होगा। ऐसे एक्सेप्ट करें। मैंने यहाँ अपना डेटाबेस किसी दूसरी ड्राइव में इंस्टॉल किया है। अब यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। ये यूज़र स्पेस एक पासवर्ड होता है, जो चाहे आप डाल सकते हैं। डेटाबेस को लॉगिन करते समय इसी पासवर्ड की नीड होती है। या फिर नेक्स्ट और स्टॉप। अब देख रहे हैं जिस टाइप में मैंने इसे इंस्टॉल किया है, वहाँ पर एक ऐप नाम का फोल्डर आएगा, जिसे आप कभी भी डिलीट ना करें। अगर वो गलती से भी डिलीट हो जाए तो आपका डेटाबेस ख़राब हो जाएगा। जैसे कि मैं आज के ऐप नाम का फोल्डर दिखा रहा है, ये हमारा डेटाबेस का फोल्डर है। Thank you.
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर इसे रन करा के देखूँगा, लेकिन ये एरर दे रहा है, क्योंकि आप अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, जिससे ये एरर दूर हो जाएगी। मैंने अपने सिस्टम को रिस्टार्ट किया, अब ये वर्क करने लगा। ये होम एक डेटाबेस का एक लोकल पेज खुलेगा, इस पर एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए और जाइए सिस्टम पे। सिस्टम जो आपका यूज़र नेम है बाय डिफॉल्ट, और आपने पासवर्ड जो वहाँ दिया था उस पर क्लिक करें। अगर आपका जिसमें ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन पे जाएंगे, अदरवाइज आप अपना क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे, अपना वर्क स्पेस पे क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर एजुकेशन के नाम से अपना वर्क स्पेस को क्रिएट कर रहा हूँ, और अपना पासवर्ड जो चाहे आप दे सकते हैं। डेटाबेस का पासवर्ड चाहे अलग हो, लेकिन इसका पासवर्ड भी आप अलग कर सकते हैं, चाहे आप सेम रखें। अगर आपका जब वर्क स्पेस बन जाता है तो यहाँ इस पर क्रिएट वर्क स्पेस पर क्लिक करते हैं। ओके, ये बन चुका है, सक्सेसफुली दिखा रहा है, सक्सेसफुली क्रिएटेड वर्क स्पेस एजुकेशन। अब आप इसे लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड जो आपने दिया था आप उसे डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये लॉगिन हो चुका है। आप एसक्यूएल वर्कशॉप में जाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट ब्राउजर के अंदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास प्री डिफाइंड टेबल्स दिखेंगे लेफ्ट साइड पे, एम्प्लॉय की है, डिपार्टमेंट की है, आज तक का। यदि आपको अपनी टेबल बनानी है तो आप क्रिएट पे क्लिक करें और टेबल्स पे जाएं, वहाँ पर टेबल का नाम दें। मैं यहाँ टेबल का नाम स्टूडेंट ले रहा हूँ, और कॉलम का नाम अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो जैसा आप लिखेंगे वैसा ही आपको टेबल का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव हो जाएगा। प्रिंसिपल केस का मतलब केस सेंसिटिव। यहाँ मैंने स्टूडेंट का नेम दिया, और नॉट नल पर टिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको नेम देना ही देना है, अदरवाइज आपने टेबल में नेम नहीं दिया तो ये नेम के बिना टेबल के अंदर डेटा एंट्री नहीं करेगा। यहाँ हम रोल नंबर टाइप कर लेंगे, और नेम को पैराग्राफ टाइप कर दिया है, और ये स्केल में हमने इनकी लेंथ डिसाइड की है कि नेम 50 वर्ड तक का हो सकता है और रोल नंबर 10 वर्ड्स का होगा। और यहाँ पे हमने लिए ब्रांच, इसका भी हम पैराग्राफ टूट लेंगे, और ये इसकी भी डिफाइन करेंगे 50। ब्रांच भी 50 कैरेक्टर्स की हो सकती है। और अगर आपको प्राइमरी के लिए ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करेंगे, और फिर से क्रिएट एंड फिनिश। अब हम यहाँ पे डेटा पे आएंगे, यहाँ पे अभी हमारे डेटा में कोई टेबल नहीं है। अब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, और नेम में अपने कोई भी स्टूडेंट का नेम डालेंगे, जैसे यहाँ मैं डाला एजुकेशन, और रोल नंबर में भी कोई भी डिजिट डाल सकते हैं आप, मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, और ब्रांच कोई भी हो सकती है, आप उसमें ब्रांच डालें। और आप येलो कलर के क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिए, और आपके टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब आपकी टेबल में एक रो हो चुकी है जिसमें एक डेटा है। आप यहाँ से लॉगआउट कर सकते हैं और वापस लॉगिन भी कर सकते हैं। थैंक यू।